पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब जीता इन्होंने। पूरा नाम है इनका अब लारा दत्ता भूपति। जी हाँ, मिस इंटरकॉन्टिनेंटल के बाद मिस यूनिवर्स बनी थी लारा दत्ता। 17 साल हो गए हैं, आई हैव बीन पार्ट ऑफ द मॉडलिंग इंडस्ट्री एज वेल एज द फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन मैंने देखा है कि एक एक्ट्रेस होते हुए आपकी जो पहुंच होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है एज इन कंपैरिजन टू व्हाट इट इज एज अ मॉडल। जन्म 16 अप्रैल सन 1978 में हुआ। लारा दत्ता के पिता पंजाबी और माँ एंग्लो इंडियन। ये लोग गाजियाबाद में रहा करते थे, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। I've had the blessing in life to be born into a household that was half Hindu and half Catholic. इनके पिता एलके दत्ता एक रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, जो कि एयरफोर्स में बतौर विंग कमांडर काम करते थे, और इनकी माँ का नाम है जेनिफर दत्ता। My father is Punjabi, my mother was raised Catholic, and throughout my life I've been raised, I would imagine, in an extremely secular home. इनकी दो बड़ी बहनें हैं, एक का नाम है सबरीना जो कि इंडियन एयरफोर्स में है, और दूसरी बहन का नाम है शेरिल। This is going to be a very, very big part of my family. 1981 में लारा दत्ता का परिवार बैंगलोर शिफ्ट हो गया था, जहां पे इन्होंने अपना हाई स्कूल पूरा किया। स्कूल का नाम सेंट फ्रांसिस जेवियर गर्ल्स हाई स्कूल और दूसरा स्कूल था द फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल। ये बात कम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड सुंदरी दरअसल मुंबई यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री ले चुकी है। From what I've learned and I've done my research like I always do. ये अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती हैं, हिंदी पंजाबी और कन्नड़ा में भी इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, और अन्य विदेशी भाषाओं में ये फ्रेंच बोलती हैं। So I'm extremely delighted actually to be here at this launch. दरअसल लारा दत्ता का करियर शुरू हुआ था सन 1995 में, जब पहली बार ये ग्लैड रैग्स मेगा मॉडल इंडिया में नजर आई थी। इन्होंने इस टाइटल को जीत लिया और सन 1997 के मिस इंटरकॉन्टिनेंटल पेजेंट का ये हिस्सा बनी। यहाँ पर भी ये अव्वल नंबर साबित हुई। I think very few people are blessed in life to really have this spirit of inquiry, and when it does come, it leads you on a journey or takes you on a journey that is probably one of the most important, satisfying journeys of your life. उसके बाद ये फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स चुनी गईं। साइप्रस में हुए मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में स्विम सूट राउंड में इनको इतना हाई स्कोर दिया गया जो कि पहले कभी किसी कंटेस्टेंट को नहीं दिया गया था। वाकई लारा दत्ता ने अपनी फिगर को खूब सहेज कर रखा था, और स्विम सूट में ये देखते ही बनती थीं। I think over the last couple of years, people who followed my career know that I have always propagated a very healthy lifestyle. और 2000 में लारा दत्ता ने इतिहास रच दिया। ये दूसरी ऐसी भारतीय लड़की थीं जिन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता था। पहली रहीं सुष्मिता सेन। कमाल की बात यह है कि उसी बरस प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थीं और दिया मिर्जा बनी थीं मिस एशिया पैसिफिक। एक साथ तीन खिताब मिलना भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी। But I thank you from the bottom of my heart for having me here. Thank you. और उसके बाद लारा दत्ता ने वही किया जो हर मॉडल या फिर हर मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया करती है। इन्होंने फिल्मों की तरफ रुख किया। इन्हें साइन किया गया एक तमिल फिल्म के लिए, नाम था अरसच्ची, पर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ये फिल्म लेट रिलीज हुई। पर हिंदी फिल्मों में लारा दत्ता कमाल कर रही थी। बड़े बड़े एक्टर्स के साथ इनकी जोड़ी खूब जम रही थी। मैं अपने करियर से बहुत ही सहमत हूँ, आई एंजॉय इट, मुझे बहुत ही आगे जाना है, बहुत नए न्यू वेंचर्स के बारे में सोच रही हूँ, सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द वर्क। 2006 की फिल्म भागम भाग को कौन भूल सकता है, जिसमें ये अक्षय कुमार के साथ नजर आई थी। पार्टनर में ये सलमान खान के साथ नजर आई, और फिल्म ओम शांति ओम में इन्होंने एक स्पेशल अपीयरेंस भी दी, और 2009 की फिल्म ब्लू में ये नजर आई। I'm back in the studios to start work shooting a film. कुछ फिल्में इन्होंने छोड़ दी, पर कुछ फिल्मों ने इन्हें कामयाबी दिलवाई। And I'm happy with the way that I look right now. लारा दत्ता किसी भी तरह के सीन्स करने से हिचकिचाती नहीं थी, चाहे वो इंटीमेट सीन्स रहे या फिर अग्रेसिव। स्विमिंग कॉस्ट्यूम रही कि साड़ी, हर पोशाक में इनकी फिगर देखकर सबकी जुबान से निकलता था चश्मे बद्दूर। You know, your body is your temple, and what you put into it, you know, is the fuel that you burn for the rest of the day that actually goes through. 2011 में ये बनी प्रोड्यूसर और फिल्म बनाई इन्होंने चलो दिल्ली। फिल्म डॉन 2 में ये एक आइटम नंबर करती नजर आई थीं, और धीरे धीरे ये फिल्मों से जरा दूर हो गईं। बहुत सारी चीजें करते हैं हमारे करियर के थ्रू, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ सिर्फ हमें उनका फायदा मिलता है। लारा दत्ता के बारे में ये बात भी मशहूर रही कि केली डोरजी के साथ इनका एक लंबा रिश्ता रहा। अभी फिलहाल बहुत सारे चर्चे, आई मीन इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर कपल ऑफ इयर्स। और उसके बाद इनकी शादी हुई जबरदस्त भारतीय टेनिस प्लेयर महेश भूपति के साथ। 16 फरवरी 2011 में इनकी शादी हुई। शादी का स्थान मुंबई।
और उसके बाद 2012 में इन्होंने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया। The health of my child and her needs are the most important thing to me right now. यकीनन लारा दत्ता ने वो ऊंचाइयां छुईं जिसका अरमान हर एक लड़की रखती है। And as a wife and as a mother, I am constantly on the lookout for the very best to protect the health of my family. महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।